अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम सुजाग सिंध के सलाम सिंध नादरीन की आयो खुश आयो ठीक आयो आई उम्मीद कया थी तो ठीक ही हुंदा आई सूमर जो डी आ मंडे मॉर्निंग आ आई पेंजी हफ्ते जी शुरुआत असा कंदायूं तवां सा आई तवां जे भी सडे हफ्ते जी शुरुआत थी वेंदी आहे आई असा सा जेके ये मुलाकातूं आहिन तवां जी जेका गाल बोल असा सा तवां जी गाल बोल थींदी आहे लाइव कॉल्स जे जरिए सो इन हवाले सा जेके असा जी खूबसूरत सुबह जी शुरुआत थींदी आहे सबे मिसाल हुंदी आहे ही जेके अज मां चाहींदस त तव्हां सां शेयर कयां ज़रूरु छो त हफ़्ते जी ज़ाहिरा शुरूआत थी थिए सूमर जो ॾींहुं जेको आहे ॾाढो वठ पकड़ वारो ॾींहुं हूंदो आहे सुबुह जो ॿार स्कूल वेंदा आहिनि ऑफिस वेंदो आहे रोडनि ते रस्तनि ते सुबुह जे टाइम ते ट्रैफिक ॾाढी हूंदी आहे असां ईंदा आहियूं असांखे ख़बर आहे सो इहे जेके ॻाल्हियूं ऐं वठ पकड़ ऐं तकड़ि तकड़ि में वेंदा आहिनि माण्हू तयारु थींदा आहिनि निकिरंदा आहिनि इन्हनि सभिनी में सिर्फ़ु हिकु शइ जो ख़्यालु करिणो हूंदो आहे त इंसानु सुठो नाश्तो करे घर मां निकिरे नेरनि सुठी करणी हाणे ॿारनि खे बि नेरनि करायो पाण बि अगरि घर खां ॿाहिरि वञो था कमु था कयो त नेरनि सुठी कयो छो त जेको फर्स्ट मील आहे न जंहिंखे चइजे थो ब्रेकफास्ट हाणे ब्रेकफास्ट हुनखे छो थो चइजे छो त फास्ट मतिलबु रोज़ो इंसानु जेको सॼी राति जो फास्टिंग थो करे ऐं कुझु नथो खाए 12 कलाक 8 कलाक 10 कलाक जेतिरी बि तव्हांजी निंड आहे त तव्हां जॾहिं कुझु बि नथा खाओ त ॼण त तव्हां कंहिं रोज़े जी सूरत में आहियो त हुन रोज़े खे वरी ब्रेक करण जो टाइम ईंदो आहे जॾहिं असां सुबुह जो उथंदा आहियूं ऐं नेरनि कंदा आहियूं ऐं उन में सभ खां अॻु में असांखे इहो करणु घुरिजे त उथंदे ई असां हिकिड़ो गिलास पाणी जो पियूं अक्सर माण्हू हूंदा आहिनि उथण सां ई बेड खां बि पोइ निकिरंदा आहिनि चवंदा आहिनि असांजे लाइ चांहि जो कोप रेडी हुजे माना ईअं असां या कॉफ़ी पियूं या चांहि पियूं ऐं उथण सां ई पहिरियों जेको मील खाईंदा आहिनि जेको पहिरियों शइ जेका पंहिंजी बॉडीअ में माण्हू विझे थो असां चांहि थी थिए ऐं अगरि ॾिठो वञे त इहो सभ खां वॾो नुक़सानदेह अमल आहे चांहि फस्ट मील न हुजणु घुरिजे तव्हांजी बॉडीअ जे लाइ अॻु में तव्हां हिकु गिलास पाणी पियो इहो थी सघे त उहो पाणी वॉर्म हुजे हल्को नीम गरम हुजे ऐं उन में अगरि तव्हां थोरो लेमन विझी था छॾियो त उहो अञा सुठो आहे तव्हांजी सिहत जे लाइ पर जे लेमन न आहे लीमो न आहे त पोइ बि का ॻाल्हि न आहे तव्हां जेको आहे सो पाणी पियो पाणी खां पोइ वरी थोरो गैप ॾियो उन गैप खां पोइ नाश्तो वाश्तो तव्हां करे था सघो ऐं नाश्ते में एग्स जेके आहिनि अंडा जेके आहिनि उहे ज़रूरी आहिनि तव्हां उहे खाओ सिहत जे लाइ ॾाढा सुठा आहिनि कैल्शियम्स उन में मिले थी प्रोटीन्स उन में मिलनि था सो ही जेके सभु ॻाल्हियूं आहिनि इन्हनि खे चवण जो मक़सदु इहो आहे त इंसान खे पंहिंजी सिहत जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे छो त ॾाढो ॾुखियो दौरु आहे नाज़रीन मां ॾिसंदी आहियां घरां निकिरंदी आहियां त काफ़ी अहिड़नि माण्हुनि खे त उन्हनि वटि लटो कपिड़ो पाइण जे लाइ को सुठो न हूंदो आहे रहण जे लाइ को घर न हूंदो आहे सुठो तरीक़े सां खाइण पीअण जे लाइ उन्हनि वटि शयूं मुयसरु न हूंदियूं आहिनि त एॾी ॾुखी जॾहिं ज़िंदगी हूंदी आहे मां जॾहिं पंहिंजनि माण्हुनि खे ॾिसंदी आहियां न त माना दिलि आज़ारी थी पवंदी आहे थोरे असां पाण गाॾियुनि में वेठा आहियूं एसियुनि वारियूं गाॾियूं आहिनि घरनि में असांजे एसी आहे ऑफिस में एसी आहे पर पोइ बि जॾहिं असां ॿाहिरि ॾिसूं था त केॾी अॼुकल्ह गर्मी आहे इन गर्मीअ में असांजा माण्हू रोडनि ते फुटपाथ ते वेठा आहिनि कम जी तलाश में मज़दूर तबिको जेको आहे कीअं मज़दूरी थो करे एॾी गर्मीअ में पंहिंजी स्किन सफ़ा सिज हेठां साड़े थो छॾे से महिनत थो करे त उन्हनि जी महिनत उन्हनि जो हार्डवर्क ॾिसी मुंहिंजो काफ़ी अंदरि हिकिड़ो छिकजंदो आहे ऐं अंदरि में अहसासु थींदो आहे ऐं ॾाढा ख़ूबसूरत सिटूं आहिनि वफ़ानाथन शाही बहितरीन वॾो शाइरु आहे उहो बि इन ई करे इन ई अहसासु रखंदड़ माण्हू हुयोसि इन करे ई उन्हनि इहे लफ़्ज़ बि लिखिया आहिनि त चवनि था ओ झिरकिन जा ख़ुदा ओ झिरकिन जा ख़ुदा बाज़नि खे पर न ॾे ओ झिरकिन जा ख़ुदा बाज़नि खे पर न ॾे बरसात बंद कर या कचा घर न ॾे सो इहो जेको इंसान हमदर्दी आहे ऐं इंसान दोस्त जो जेको हिकिड़ो रवैयो आहे न हिकिड़ो अहसासु आहे इहो रखणु तमामु ज़रूरी आहे सभई वॾा शाइर असांजा सभई वॾा लेखक जेके आहिनि अदबी दानिश्वर अदीब जेके बि इंसान आहे इवन असांजा जेके पॉलिटिशियंस आहिनि उहे बि असां इहा उमेदु कंदा आहियूं त उन्हनि में अहसासु हुजे इंसानियत हुजे ऐं इंसानियत जेका आहे इंसान खे अञा बहितर तरीक़े सां कुदरत जे वेझो थी आणे बहरहाल इन ते अॻिते ॻाल्हाइबो ऐं असांजा ख़ूबसूरत महिमान बि हूंदा उहे असांखे जॉइन कंदा बहितरीन प्रोग्राम हूंदो आहे इन प्रोग्राम में ख़ूबसूरत मौसीक़ी हूंदी आहे जेका हूंदी आहे बादल राई साहिब जी असां वटि बादल राई साहिबु कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा ठीकु ठाकु ॾाढा अॼु जी
बिल्कुल सिज़ वांगे ये सिज़ वांगे इंगे था चमको जो माने मां दिसी नथी सगा बाद जो कलर है एडा वाइब्रेंट कलर पाए दी सिज़ के मानो दिसी न सगनवा सो एडा कलर पाए हन पर माशाल्लाह डाडा सुठा आई प्यारा पे लगो आई पंजे सेहत जो खास ख्याल रखना छ त मां भी बार-बार तमा के यो चनी है इंसान सेहत जो खास ख्याल रखे जी ते जबरदस्त किस्म जी जको आसो तहां जी शमूलियत हुंदी आ बदल राई साहब जी फरमाइश इंदी आ फरमाइशों भी इंदी आ नहीं फरमाइशन संगरो गद जके खूबसूरत ही गाली हुंदी आ से इन करे हुंदी आ त तहां जी इस्लाह थी सके इंफॉर्मेशन तहां के सुठी मिले टीवी ते तहां के कंटेंट सुठो मिले आई सुठो कंटेंट तने मिलंदो जदे असा के मिलना है स्पोंसर्स जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जेड़ा सो ही प्रोग्राम जको आ जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स स्पोंसर कंदा है उन्हें जो तावन हुंदो आहे बेहतरीन जेको आ डेवलपर्स आहिन इन्हें जी कंपनी आहे आसान महीने जी किस्तन ते प्लॉट दियन था 35 लखन वारो प्लॉट सिर्फ 26 लखन में था ऑफर कर तो इन्हें के जरूर कॉन्टेक्ट कयो प्लॉट बुक करायो कॉन्टेक्ट नंबर्स स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा इन सां गॾु नाज़रीन असांजे प्रोग्राम में जेके स्पॉन्सर्स हूंदा आहिनि से आहिनि जेके वॉर्ड्रॉप मूंखे ॾींदा आहिनि अॼु जो ॾाढो ख़ूबसूरत क्लासी हिकिड़ो वॉर्ड्रॉप आहे इहो वॉर्ड्रॉप असांखे जंहिं स्पॉन्सर कयो आहे से आहिनि सना सफीनाज़ ब्रैंड वॾो ब्रैंड आहे ऑलरेडी सभई मुंहिंजूं भेनरूं जेके आहिनि हिन ब्रैंड सां वाक़िफ़ आहिनि ऐं डिज़ाइनिंग ऐं कपिड़ो अॼुकल्ह जी मौसम जे हिसाब सां अॼुकल्ह जे सीज़न जे हिसाब सां बहितरीन इन्हनि जी डिज़ाइनिंग आहे ॾाढो ज़बरदस्त क़िस्म जो इन जो टेक्स्चर बि आहे कपिड़ो बि आहे सनफ सफीनाज़ जो स्पॉन्सर हुई ड्रेस ऐं तव्हां ज़रूरु जॾहिं बि पाण कपिड़ा वठो ऐं ॾिसो त इंसानु सभ खां अॻु में इहो ॾिसे त छा इहो कपिड़ो मुंहिंजे जेको कदु काठ आहे मुंहिंजी जेका फिज़ीक आहे उन ते सूट करे थो या नथो करे मुंहिंजो भेनरूं काफ़ी इहा ग़लती कंदियूं आहिनि त स्क्रीन ते अगरि कंहिंखे मॉडल खे कंहिं पंहिंजे सेलिब्रिटीज़ खे कंहिं बि क़िस्म जो जोड़ो ॾिसनि थियूं त उन मां इंस्पायर थी वेंदियूं आहिनि चवनि असांखे इहो ई जोड़ो इन ई स्टाइल में खपे ऐं उहो जॾहिं पाईंदियूं आहिनि त उन खां पोइ उन्हनि खे सुठो फीडबैक न मिलंदो आहे उन्हनि जो दिलि सेटिस्फाई न थींदो आहे सो सेटिस्फाई इन करे न थींदो आहे छो त तव्हांखे इहो बि ॾिसणो आहे त तव्हांजे पंहिंजी बॉडी जे हिसाब सां कहिड़े क़िस्म जो फैशन आहे कहिड़े क़िस्म जो ट्रेंड आहे जेको तव्हांखे सूट करे सो ज़रूरी न आहे त जेको अॼुकल्ह फैशन हले थो पियो जेको ट्रेंड हले थो पियो तव्हां उनखे फॉलो कयो थी थो सघे जेको ट्रेंड आहे उहो तव्हां ते सूट ई न करे त असल ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त इंसानु जेको कॉन्फिडेंटली कैरी करे जेका ड्रेस उहो एतमाद सां पाए माण्हुनि में वञे ऐं उहो मतिलबु कॉन्फिडेंट हुजे त इहा ड्रेस मूं ते सूट करे थी बेशक इहो ट्रेंड जेको आहे पुराणो आहे बेशक इहो स्टाइल जेको आहे उहो पुराणो आहे सकाफ़ती आहे ट्रेडिशनल आहे पर मूंखे इहो सूट कंदो आहे त तव्हां ज़रूरु अहिड़ा कपिड़ा पायो ऐं का फ़िक्र न आहे ट्रेंड जी फ़िक्र करण जी त पुराणी डिज़ाइन आहे या अॼु जो ट्रेंड आहे या पुराणो ट्रेंड आहे इंसान ट्रेंड पाण ठाहींदो आहे सो पंहिंजी पहचान पंहिंजी पर्सनैलिटी पंहिंजो ग्रेस पाण ठाहियो ऐं असांजो प्रोग्राम ॾिसो सो पर साई आहे साई था वठूं साई खां पोइ मिलंदासीं ऐं महिमाननि खे तव्हां सां मुतारफ़ कराईंदासीं ऐं अहिड़नि महिमाननि सां कंदासीं ख़ूबसूरत कचहरी जो मज़ो अची वेंदो अॼु जो ॾींहुं ॾाढो सुठो गुज़रंदो उमेदु आहे सूमर जो ॾींहुं आहे पहिरियों ॾींहुं आहे हफ़्ते जो सुठो गुज़ारींदासीं तव्हांजो बि पंहिंजो बि वठूं था नंढड़ी साई साई खां पोइ वरी वापसि अचिजो ॾिसंदा रहो सलाम सिंध वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीन प्रोग्राम जी शुरूआत थी चुकी आहे सलाम सिंध में वेलकम कंदी आहियां मां तव्हांखे ऐं असां सां गॾु जेके जॉइन कंदा आहिनि बहितरीन महिमान हूंदा आहिनि उन्हनि महिमाननि सां कंदा आहियूं ख़ूबसूरत कचहरी ज़बरदस्त कचहरी थींदी आहे इन कचहरीअ में काफ़ी कुझु सिखण खां मिलंदो आहे छो त जेके महिमान ईंदा आहिनि उहे ज़ाहिर आहे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट कनि था पिया ऐं उन्हनि जो कॉन्ट्रीब्यूशन जेको आहे उहो तमामु वॾो आहे तमामु सुठो रहंदो आहे ऐं इंसान जंहिं बि सोसाइटी में रहे थो इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त पंहिंजो पाण कॉन्ट्रीब्यूट करे ऐं ज़िमेदारियूं जेके आहिनि हर जीअं घर हूंदो आहे न हिकिड़ो घरु आहे उन घर में उहो फ़र्द रहनि था हर फ़र्द जी पंहिंजी पंहिंजी ज़िमेदारी हूंदी आहे कुझु माण्हू घर जा सरबराह हूंदा आहिनि कुझु वरी ॿार हूंदा आहिनि पर उहे ॿार हूंदे बि उन घर उन में उन घर जी तरफ़ उन्हनि जी का न का ज़िमेदारी हूंदी आहे त ईअं ई असां पंहिंजो सॼो मुल्क जेको आहे जेका सॼी पंहिंजी सिंध आहे उनखे असां ईअं ई ॾिसूं त ॼण असांजो पंहिंजो घरु आहे
सो कुछ गवर्नमेंट ऐं कुझु अहिड़ा इदारा आहिनि जेके सरबराही जा आहिनि, उन्हनि जी वॾी ज़िमेदारी आहे, पर पोइ बि जेके बि हिते रहनि था पिया, चाहे वॾो माण्हू आहे, नंढो माण्हू आहे, कहिड़े बि क़िस्म जी फील्ड ते आहे, कहिड़े बि क़िस्म जे उहिदे ते आहे, उन जी बि ज़रूरु का न का ज़िमेदारी आहे। सो उन्हनि ज़िमेदारीअ खे कीअं निभाइणो आहे ऐं पंहिंजो पाण कीअं कॉन्ट्रीब्यूट करिणो आहे, इन करे ई सभु ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं सभु असां प्रोग्राम्स कंदा आहियूं, अहिड़नि माण्हुनि खे इनवाइट कंदा आहियूं त उन्हनि मां कुझु सिखी वठूं। बहरहाल अॼु जे महिमाननि ॾे हलूं था, महिमाननि खे असां मुतारफ़ कराईंदा हलूं। बहितरीन हिकिड़ी लेडी आहिनि जेके मां चाहींदी आहियां त असां वुमेन एम्पावरमेंट जी जॾहिं बि ॻाल्हियूं कंदा आहियूं त अहिड़ियूं ख़ूबसूरत औरतूं असांजे अॻियां अची वेंदियूं आहिनि। उन्हनि खे ॾिसी करे, उन्हनि सां ॻाल्हाए करे अञा वधीक फ़ख़्रु महसूसु थींदो आहे। त उन्हनि खे मां मुतारफ़ कराईंदी हलां। तस्नीम ज़हरा असांखे जॉइन कयो आहे ऐं फाउंडर ऐं चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर आहिनि आई क्यू टेल्स एंड CSR एवेन्यू जी। सो तस्नीम साहब, वेलकम करते हैं आपको, वेलकम करते हैं। बहुत खुशी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। क्या क्या हाल है आपके? मैं फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र। आपकी शुरुआत ही आपने हमारे साथ कर ली है सुबह सुबह। अभी आपका जो हफ्ता जो है ना, बड़ा मजेदार गुजरने वाला है। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगु करेंगे जरूर जरूर। तस्नीम साहब सा गडो गड जो बया मेहमान असा के जैं जॉइन किया है, से रियाज अहमद जोखियो साहब आन। बेहतरीन इन की पर्सनैलिटी है, डायरेक्शन कर चुका है, सिंगिंग कर चुका है, स्टेज ज ड्रामा उन्हें परफॉर्म भी किया अथऊ ऐं डायरेक्ट बि कयो अथऊं। सो मीडिया पर्सन आहिनि ऐं बहितरीन इन्हनि जी सॼी जेका ज़िंदगी आहे, एक्सपीरियंसिस आहिनि, तमामु ज़बरदस्त आहिनि। वधीक उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। सर वेलकम, वेलकम था कयूं तव्हांखे। भली कहिड़ी तबियत, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो, बिल्कुलु मज़े में आहियां। असां बिल्कुलु मज़े में आहियूं ऐं तव्हांखे ॾिसी करे असांजे हिन प्रोग्राम में ॾाढो असां तव्हांखे वेलकम था कयूं। दिलि ख़ुशि थी वई, असांखे ॾाढी ख़ुशी थी महसूसु थिए जी। गुफ़्तगू जो आगाज़ था कयूं तस्नीम साहिबा खां। तस्नीम, आप जब अभी रिसेंटली मदर्स डे गुज़रा है ना, अब नज़रीन असां मदर्स डे ते ॾाढो पंहिंजनि माइरुनि खे बि यादि कयोसीं। प्रोग्राम हुयो असांजो जेको जुमे जे ॾींहं ते ऑनियर थियो ख़ासि मदर्स डे जे हवाले सां, पर मदर्स डे कल्ह हुयो बेसिकली, जेको आचर जो ॾींहुं आहे। सभिनी ज़ाहिर आहे मां बि पंहिंजी माउ सां हिकिड़ो ख़ासि टाइम स्पेंड कयो, छो त ज़िंदगी ॾाढी मसरूफ़ आहे, टाइम न मिलंदो आहे। सो इन ॾींहं ते ईअं त ॾिठो वञे, माण्हू चवण वारा चवंदा आहिनि हर ॾींहुं मदर्स डे आहे, जेके हिते हर दिन मदर्स डे, लेकिन ख़ासि उस दिन पे इहो हो जाता है कि मतलब इंसान चाह कर भी ना एफर्ट करके टाइम निकाल के अपनी माओं के साथ मिलता है, उनके साथ आउटिंग करते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं, कुछ सेलिब्रेशंस करते हैं, तो थोड़ा उनको भी फील हो जाता है जैसे अक्सर इंसान को अपनी बर्थडे पे फील होता है। जाहिर है स्पेशल फील होता है कि मतलब लोग गिफ्ट्स ला रहे हैं, हमें स्पेशल फील करवा रहे हैं, और वही बच्चे जो पूरा साल पूरा हफ्ता जाहिर मसरूफ़ होते हैं, और बेचारी माएँ जो है ना वो कोई शिकायत भी नहीं करती है, उनको पता होता है कि मसरूफ़ है, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब टाइम मिले तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, रूटीन लाइफ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बहुत अच्छा लगता है, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और मैं चाहती हूँ इस तरह के सेलिब्रेशन को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, आप खुद भी एक माँ हैं, तो एक माँ होने के नाते जाहिर है इन चीज़ों को, मैं भी माँ हूँ तो मैं भी समझ सकती हूँ, आप भी समझ सकती हैं। अच्छा, औरत के हवाले से जब हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, तो आप जैसी औरतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं और मोटिवेशनल हैं उन बच्चियों के लिए जो अभी अपने शुरुआती दौर में हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में हैं, और अभी सोच रही हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, मतलब क्या शादी करके बैठ जाना है या कुछ करना है। इन ये जो सारे खर्चात और टाइम स्पेंड हो रहा है ना उनकी पढ़ाई पर, उसको यूटिलाइज करना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कब से आपका सफ़र स्टार्ट है, काम कब से कर रही हैं आप, और ये आइडिया क्या भाई, आप फाउंडर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं आप हैं, ऑफिसर हैं अपने एक कंपनी की, तो कैसे ख्याल आए कि इस तरह का कोई काम करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की के मनाजिल और शोहरत और इन चीज़ों के पीछे रहते, सब्र, तहम्मुल और मेहनत, हर चीज़ के पीछे आपकी ना मेहनत बहुत बड़ी काउंट करती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं सबसे पहले जर्नलिस्ट बनी, अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नलिस्ट हूँ, उसके साथ मैंने आर्टिकल लिखे और ये मेरे यूट्यूब चैनल्स भी हैं आई क्यू टेल्स के हवाले से और CSR एवेन्यू के हवाले से। जैसे आप डिफरेंट वुमेन एम्पावरमेंट पे जब मैं काम करना शुरू हुई तो मैं 2012 से जो है वो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि
मतलब मोटिवेट करना, पॉजिटिविटी. मुझे ऐसे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो एक इतनी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट हो गया है, हम लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए. मायूसी तो किसी सूरत में ही नहीं होनी चाहिए. तो पॉजिटिविटी के एक स्टैंड लेके, एक जज्बा लेके खड़ी हुई, उसमें मेरे साथ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मैंने जस्ट अपने आप को न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स या अखबार तक नहीं महदूद किया. मैंने कोशिश ये की कि हर फोरम पे जाया जाए. ख़ास कर मुझे ये था कि जो हमारे जो एक पसमानदा इलाके हैं, उन लोगों को भी, क्योंकि हम शहरी और छोटे, बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसे सैलाब हुआ, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी सैलाब का वो था, बहुत ज़्यादा मसाइल थे, तो हम लोग डीजी खान तक गए. तो वहाँ पर ख़वातीन का आप ये देखें, कोई पर्दे का सिस्टम नहीं था, कोई, वो पूरा पूरा दिन वेट करती थी शाम होने का. रात ख़वातीन को बहुत मसाइल का सामना, बहुत ज़्यादा, कि टॉयलेट कैसे जाएं, हम सैलाब आया है तो उनकी स्किन, वो अपनी परवाह के बगैर बच्चों को किस तरह खिलाएं, थोड़ा साफ़ सुथरा कैसे खिलाएं, कैसे पकाएं, बहुत सारे मसाइल थे उनके साथ. वो किया एजुकेशन की फील्ड पे किया, कच्चा के इलाका में मैं गई, जहाँ पर ख़वातीन बच्चों को सिर्फ ये समझा जाता है कि ये डाकुओं का इलाका है, और वहाँ पर 13 स्कूल खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बच्चों को, बच्चियों को भेजते ही नहीं. और स्पेशली बच्चियों के लिए क्या करते हैं कि जब फसल की कटाई है या कोई भी काम है तो बच्चियों को घर में बिठा लेते हैं, और बच्चों कहते हैं कोई बात नहीं, लड़का तो पढ़ता रहे, लड़कियां नहीं. तो ये कॉन्सेप्ट आपके अभी भी जिंदा चल रहे हैं, तो उनको ख़त्म करना. तो वो फिर इस तरीके से जो है वो लड़कियों के साथ, लड़कियों का जैसे एडमिशन्स छोटे इलाकों में ना होना, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दरिया हैं, जो आप ना मतलब पार करके कश्तियाँ नहीं जाती हैं उनके, वो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, इस टाइप की बहुत सारे हम लोगों ने फैसिलिटीज दी. हां जी, ये जो सारी मौके जो हमारे शहरों के बच्चों को मयसर होते हैं, मयसर होती, वो वहां तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल. और शहरी मसाइल अलग हैं, शहरों में अलग मसाइल, शहरी मसाइल पे आते हैं. बहुत अच्छी आप बात कर रही हैं. और अभी मैं चाहूंगी कि हम जोखिर साहब की तरफ जाएं. रियाज साहब, तमाम जड़े मीडिया में कम कयो त तमाम असांखे बुधायो त स्टार्ट तमाम कदे का वतो ऐं पहिरियों छा तव्हांखे एज़ एन एक्टर घणो तव्हांखे शौक़ु हुयो नंढे हूंदे खां ई टीवीअ ते वञिणो आहे, अदाकारी करणी आहे, की न फिल्म मेकिंग ऐं प्रोडक्शन ऐं डायरेक्शन में तव्हांखे वधीक रुझान? मां पंहिंजी शुरूआति जेको आहे 78 खां कई. हा हा, दादू खां. अच्छा, पोइ मूं स्टेज शो कया दादू में, लारकाण में, सेवन में, कराची में, सखर में स्टेज शो कया. अच्छा, उन खां पोइ मूं सिंधी फिल्मूं कयूं. अच्छा, अली गोहर, परू चांडियो. अच्छा अच्छा, ऐं मुफ़्शीदी ऐं जलाल चांडियो. सही, ये फिल्मूं कयूं. ये तव्हांजो मूवीज़ जी ज़बरदस्त. इन खां पोइ मां कुझु ॿ टे फिल्म उर्दू बि कयूं. पोइ मां लाहौर हली वियुसि, उते वरी वॾा वॾा हिदायतकार हुआ, हसन तारिक, ए सुलेमान, यूनुस मलिक साहबु, हैदर चौधरी, इक़बाल कश्मीरी, ऐं हिते सिंधी में हिदायतकार हुओ शाह असद साहबु, ओटंडो आदम जो हो, उहो सॼो दोस्त हो मुंहिंजो. ऐं ज़फ़र जिस्काणी साहबु जेको आहे, उनजो वालिद साहबु मुश्ताक जिस्काणी साहबु मुंहिंजो दोस्त हो, तमामु दोस्त. पर मुंहिंजो उस्ताद बि हो. वॾनि वॾनि हिदायतकारनि सां जॾहिं तव्हां कमु था कयो न, त अॼुकल्ह इहो ॾाढो घटि थी वियो आहे, पर तॾहिं इहो ॾाढो हूंदो त जॾहिं तव्हां जेॾो सीनियर माण्हू सां था कमु कयो, ओतिरो तव्हांखे सिखण काए थो मिले, सिखण लाइ. ईअं लॻंदो इंसान न हिकिड़ो इंस्टीट्यूट आहे जेको तव्हांजी सॼी नशोनुमा थो करे, तरबियत थो करे, सेखारे थो. पोइ तव्हांखे कीअं लॻो अहिड़नि वॾनि वॾनि तव्हांखे ज़िंदगीअ में मौक़ो मिलियो आहे, त छा मतिलबु चवणु चाहियो? उन्हनि सां कमु बि कयोसीं जी जी, ऐं उन्हनि खां बि सिखियोसीं बि, त माना फिल्म कीअं ठाहिजे, ड्रामो कीअं ठाहिजे, पोइ असां उनखां शुरूआति कईसीं. ऐं अॼु बि अलाए शुक्र आहे, माना हिन उमिरि में बि जेको आहे माना फिल्म ठाहे सघूं था, ड्रामो ठाहे सघूं था. पर शर्त इहो आहे त पैसो सुठो हुजे, कहाणी सुठी हुजे, ऐं टाइम हुजे. इहे टे ॻाल्हियूं आहिनि, ठीकु आहे, जिन में माण्हू हली सघे थो. ऐं मूं मुख्ता जिसखाणी साहबु मुंहिंजो उस्तादु हो, मां हुनखां काफ़ी सिखियो. माशा अलाह अदाकार बि हो, मज़ाई अदाकार बि हो, इन खां अलावा राइटर बि हो, मां हुनखां काफ़ी सिखियो हुनखां. अच्छा, कॉन्टेंट जेको आहे न अॼुकल्ह, उन हवाले सां तव्हां छा चवणु चाहींदव? जेको मीडिया में हले थो पियो, तव्हां ड्रामा ॾिसंदा हूंदा, तव्हां ज़ाहिर मीडिया सां वाबस्त आहियो, त उहे माण्हू ॾिसंदा आहिनि त अॼुकल्ह भला कहिड़ो कमु थो हले, मूवीज़ कीअं थियूं ठहनि थियूं या नथियूं ठहनि, इन हवाले सां छा चवणु चाहींदव? बिल्कुलु, उन दौर में अॼु जे दौर में वॾो फ़र्क़ु आहे. उन दौर में वॾो कमु, सुठो कमु थींदो हुओ, ॾाढो बहितरीन कमु थींदो हुओ. ऐं हिदायतकार, अदाकार वॾा क़ाबिल हिदायतकार हुआ, अदाकार वॾा हुआ, सिंगर, मौसीकार, शाइर वॾा हुआ. ऐं अॼुकल्ह उहा ॻाल्हि नाहे, बिल्कुलु नाहे. छो नाहे, वजह छा था सम्झो? वजह इहा आहे त माना हे जेके नवां जेके फनकार जेका आया, नवां जेके मीडिया में जेके माण्हू आया आहिनि, मेल फीमेल, उहे महिनत कोन था कनि.
लेकिन अज बुन तो मीडिया में को सिंगर को हिदायतकार को अदाकार को मौसीकार को शायर को भी पैदा न किया हिंसर तीन हालांकि काफ़ी टाइम का कम कन भी था पर मानू को भी पैदा न किया पुराने जमाने हिदायतकार मौसीकार अदाकार हिदायतकार इंट्रोड्यूस कराया है अज ये जैसे वेही जिक्र क्या चाहे वे दुनिया में कुछ आन के ना पर याद किया वे तुम हिस्ट्री में वो केदो वो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उन फील्ड में तुम्हारा नालो अमर थी तो वे अगर इंसान सुनो कम करे तो अज उन्होंने याद क्यों जमाने में वा अदाकार हिदायतकार मू उन फिल्मों शौक से ऐसा चाहे वह सिंधी हुए पंजाबी हुए उर्दू हुए तो उनको याद कह सिनेमा एक वाही तफरी होंगी जो मूल घर का सिनेमा में वह तो रुगो जिक्र मान फिल्मों को सिनेमा जो हों अदाकार हों घर का निकलता सिनेमा तीन पर सिनेमा निकलता घर तीन मन गाल ही उन्दी छो तफरी वह होंगी बिल्कुल यही गल बिल्कुल इन किस्म की होंगी हाँ तो घड़ो दौर अची वो सोशल मीडिया जो दौर अची वह सिर्फ एक क्लिक कबी आई एंटरटेनमेंट तेज हथ में तेज घर में तुम मुयसर आए तो इंसान टीवी ऐसा भी थोड़ा घट इन कर तस्वीर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि इंसान सोशली काम करता है लेकिन एक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है उसको भी इस चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है इस हवाले से क्या कहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ये तो आपने बहुत ही अहम पॉइंट वो किया जी. क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुद ही खुशियों की सेज भी सजा सकते हैं और अपनी खुशियों को आग भी लगा सकते बिल्कुल. हैं क्योंकि ये हमारे एक फिंगर टिप्स पर हमारे हाथों में जो एक गैजेट आ गया ना इसका यूज़ जो है वो सही इस्तेमाल की बहुत अच्छा ज़रूरत है उसमें ये होता है कि हमें जो है वो हमारी न्यू जनरेशन हमारे बच्चे कॉपी करते हैं बींग अ मदर हम दोनों इस बात को बहुत अच्छे से बल्कि हम सब यहाँ जो मौजूद हैं हम अच्छे से हम देख सकते हैं कि जो हम करेंगे हमें हमारी औलाद कॉपी करेगी हमारे इर्द गिर्द के वो करेंगे हम लोग अगर उसमें से पॉजिटिविटी एक दूसरे को फॉरवर्ड करेंगे और उसमें से जैसे मैं इवेंट प्लानर भी हूँ तो इवेंट प्लान हम करते हैं तो उसमें हम लोग टैलेंट को सामने लाते हैं उसमें जैसे अभी हम 26 जून को इंटरनेशनल ड्रग्स डे वो कर रहे हैं कोशिश है कि हमारी जो न्यू जनरेशन में बहुत आम लिया गया कि वेप कर लेना स्मोकिंग कर लेना इन चीज़ों को बहुत इजी और ये तो स्टाइलाइज हो गया हाँ स्टाइलिश अब तो हमें स्टाइलिश में तभी देख सकता हूँ जब मैं स्मोक करूंगा या मैं दोस्तों के साथ एलीट क्लास अब तो लड़कियां उसमें इक्वली मुझे नजर आती हैं कि बिल्कुल तो ये चीज ऐसा लगता है कि अगर मैंने नहीं किया तो लोग बच्चे ये समझते हैं मुझे ऐसा लगता है हाँ, मॉडर्न वो समझती हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो समझेंगे हम लोग शायद मॉडर्न नहीं मॉडर्न नहीं है या कुछ बैकवर्ड हम दुनिया से पीछे हैं बिल्कुल लड़कियां जो जिस तरीके से जो होते हैं ना कि हमारे आबाओ अजदाद की रवायात या हमारी एक है मखसूस हमारी एक तरबियत का अंसर है उसको भूल के वो भी मजे से शीशा भी पी रही हैं तो आप ये देखिए खासकर बड़े शहरों में इस्लामाबाद लाहौर कराची इसको तो बुरा भी नहीं समझा जाता तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमें हर चीज़ को एक लिमिट में करके और खासकर जो हमारे लिए अच्छा है उसको तो और उजागर करना और जो चीज़ जो बुराई है वो बुराई है उसको उसकी मज़ाहमत करनी चाहिए तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ यही गैजेट हमारे हाथ का मोबाइल आपका एक मैसेज आप पता नहीं कोई 700-800 के एक ग्रुप के मेंबर्स में से एक होते हैं लेकिन हो सकता है आपकी वो एक आवाज़ 100 लोग भी सुन लें तो आपका पैगाम आगे बढ़ा सकते हैं आप अपने आप को नहीं रोकें आप जाने आपके अंदर जो टैलेंट आप अपना किरदार ज़रूर अदा करें मैं तो यही सोच के भी बोल ज़रूर देती हूँ मैं कह देती हूँ कि जैसे अभी कल रात हम लोग एक दावत से वापस आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड बोले कि वहाँ फलां बंदा फलां बात कर रहा था तो मैंने कि शायद उनके घर का माहौल या उनकी फैमिली में इस तरह तो मैंने कहा आपने अपने हिस्से का किरदार नहीं अदा किया तो वो एकदम मेरी शक्ल देख रहे थे तो मैंने कहा आपने बोलना ज़रूर था जो एक ईमान का सबसे आखिरी है ना कि आप बोल तो दो ना बोल तो दो कि अच्छा नहीं है ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं है आपके आने वाले कल के लिए अच्छी और हम सब पाकिस्तानियों के लिए अच्छी नहीं है तो हम वो इस्तेमाल ज़रूर करें हम लोग सिर्फ इंजॉय करना म्यूज़िक है हम लोग वीडियोज़ हैं या नेटफ्लिक्स जैसे आ गया है तो हम मूवीज़ पे लग गए लेकिन हम सीख कितना रहे हम आपने अभी इंट्रोडक्शन में एक बात की ना कि हमें लम्हा ब लम्हा सीख
सीखना है और वाकई आखिरी दम तक कब्र तक जाने तक हमें सीखना जरूर चाहिए और सीख के अपने तक महदूद रखना तो खुदगर्जी है। तो हमें फैलाना बहुत चाहिए। अच्छी बात है खुदगर्जी और ये खुदगर्जी जो है ना हम नहीं करनी है। सिंध टीवी का एक चैनल है और ये जो हमारी पूरी टीम है ना वो नहीं करती है, पूरी टीम जो है वो बिल्कुल खुदगर्जी नहीं करती, हम उसको फैलाते हैं, पहुंचाते हैं जिसमें सबसे आगे आगे रहते हैं हमारे बादल भाई साहब। बहुत अच्छे मौसीकार हैं, बहुत अच्छी कंपोजिशन होती है उनकी और बहुत अच्छे सॉन्ग, जी बिल्कुल बहुत अच्छे सॉन्ग होते हैं उनको, पोएट्री है उनमें, धुन का जो है वो जब मिक्सचर हो जाता है तो बहुत अच्छे सा कलाम एक निकलता है। सो बदराई साहब केड़ो ता हियर गीत बुदायो थोड़ो सा के भी बुदायो रो सेल्फिश खुदगर्जी ने देखा रयो असा के थोड़ो बुदायो तो तवा केरे किस्म दी हुनर आए तो हमें एकड़ो मैसेज है। हां यो मैसेज मैसेज वारो गीत हुआ ना मन उनके मैसेज भी मिले। मुखा पो तू सूर रुली मरदे रोह में किथे मिलंदई की न की मू जड़ा मजबूर तोखे नवा तूर साड़े विझंदई समंद में वफाज ते आओ हो दर न थो छड़े सजदे वफाज ते आओ हो दर न थो छड़े सजदे दुनिया छड़े डिबी दिल पर न थो छड़े सजदे वफाज ते आओ हो दर न थो छड़े सजदे दुनिया छड़े निभी दिल पर न थो छड़े सजदे वफाज ते आओ हो दर न थो छड़े सजदे भोर शहर मां ससुई इहो चई निकती बंभोर शहर मां ससुई इहो चई निकती शहर छड़े थी सनावर नथो छड़े सजदे शहर छड़े थी सनावर नथो छड़े सजदे दुनिया छड़े डिबी दिल पर नथो छड़े सजदे वफा जिते आओ हो दर नथो छड़े सजदे घड़े जे मथा सुदे कंदे सोहणिया बिचयो कच्चे घड़े जे मथा सुदे कंदे सोहणिया बिचयो मरा भली मरा में हर नथो छड़े
भिजे मरा भली मरा मेहर नथो छे सभीजे दुनिया छे निपि दिल पर नथो छे सभीजे वफाजते आओ दर नथो छे सभीजे बेहतरीन जबरदस्त शायरी जबरदस्त कलाम नाज़रीन बेहतरीन प्रोग्राम है पर वक्त थियो साही जो साही था वठूं साही खां पोइ वरी वापस इंदासी गुफ्तगू कंदासी मेहमानन सां पंहिंजे ॾिसंदा रहो सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बेहतरीन प्रोग्राम आहे ज़बरदस्त महिमान आहिनि उन्हनि सां ॾाढी ख़ूबसूरत कचहरी था कयूं पिया तस्नीम ज़हरा असां सां गॾु मौजूदु आहे तस्नीम आपने जब पहले बताया वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात की सोशल मीडिया के हवाले से भी बात की अच्छा जब आपने ये स्टार्ट किया मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इस बारे में बताएँ कि जो है आई क्यू टेल्स क्या है बेसिकली बिल्कुल आई क्यू टेल्स है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के इंस्टीट्यूट ओके जैसे डाउन सिंड्रोम होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे हैं एस पी डी हैं स्लो लर्नर्स हैं बिहेवियर इशूज़ होते हैं जिन बच्चों को स्पीच लैंग्वेज इशूज़ आजकल बहुत नॉर्मल बच्चों में भी बहुत चल रहे हैं तो ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि 2011 में अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस्ड किया और मेरा जो छोटा बेटा है वो डाउन सिंड्रोम है मोहम्मद अहमद तो उसने मतलब सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मैं सिलेक्ट किया अल्लाह ताला ने मुझे फिर ब्लेस्ड किया अल्लाह ताला ने और फिर इसके रास्ते पे चला दिया है क्योंकि हम लोगों के ननिहाल ददियार इन लॉज मैं के कहीं ये बच्चा नहीं था तो मुझे जो है वो हम लोगों को बिल्कुल एंड में पता चला जब पैदा हुए फिर हम लोगों ने सीखा मतलब मैं सीखती चली गई और इनकी तरबियत के लिए क्योंकि देखिए जो एक माँ का जो रोल है या पेरेंट्स दोनों वालदैन का जो रोल है वो एक तरबियत औलाद की तरबियत में बड़ा अहम होता है उसमें लेकिन अगर माँ को थोड़ा अल्लाह ताला मज़ीद एक उनके लिए आसानी कर दें और हम सीखते चले जाएँ ना तो हम लोग बहुत आसानी से करते हैं आम हमारे नॉर्मल बच्चों की जो तरबियत है उसमें भी हमारे बहुत ज़्यादा हमारी एफर्ट लगती है पूरी कोशिश होती है लेकिन इन बच्चों के लिए हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसके लिए सबसे पहले तो मैं आज जो इस मकाम पे पहुंची हूँ मैं समझती हूँ इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे बेटे की बरकतों का है क्योंकि हम लोगों ने उसको एक बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह उसको भी नॉर्मल वेलकम किया इस दुनिया में हम लोगों ने ये नहीं सोचा उसके ये स्पेशल है हमने नहीं सोचा कि इसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है
है, क्या कहती है, वो सिर्फ एक हमारी औलाद है, हमारा बच्चा और हम माँ हैं, हमने उसको भी उसी तरह पूरा देना है। जिसमें जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये आपकी बरकत है, ये आपको जन्नत मिले जाने का सबब बनेगा, या मेरे ख्याल में हम सब इन बातों से बलतर हो कि सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें एक अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ दिया है, जो एक जिम्मेदारी दी है ना, हमें सबको एक जैसी निभानी। आप नहीं सोचे, मैं माओं को, औरतों को ये जो एम्पावरमेंट की तरफ में आई, ख़वातीन को एक उनको ये कि मुझे अक्सर वो अब भी कई माएँ, अभी तो खैर बहुत अवेयरनेस हो गई, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, एनजीओज़ बहुत हो गए, इदारे हो गए, ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, इन बच्चों को एक्सेप्ट भी किया जाता है अब माशाल्लाह, लेकिन हुकूमत की तरफ से इतना भी नहीं है कोई सपोर्ट के पेरेंट्स जो है इन बच्चों को सामने लाते हुए पहले मौशे से थोड़ा घबराते थे, घर में ही नहीं है ना कि सास ससुर नहीं करते, सिंपल से एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि पागल बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, अल्लाह लोक बच्चा है, इसके लिए दवा दारू करो, इसके लिए दुआ की तरफ ले जाओ, अल्लाह लोक है, ऐसा नहीं है। आपकी हमारी तरह थोड़ी मेहनत करके ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी हमारी सोसाइटी का एक अच्छा फ़र्द है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हाँ ये मतलब बोझ नहीं है, ठीक है डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकेंगे, ये जो एक हमारा आम कॉन्सेप्ट है हमारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकेंगे, लेकिन कम से कम अपने आप को ये कॉन्सेप्ट भी एक देखा जाए तो कंट्रोवर्शियल है। अभी जो है ना मैं खुद इससे डिसएग्री करती हूँ कि औलाद को ये समझ के तो इंसान औलाद पैदा ही नहीं करता, ना ही उसको पालता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। भाई सहारा सिर्फ एक जात है, उस वही संभालेगा जिसने जवानी में बचपन में संभाला है तो बुढ़ापे में भी वही संभालेगा। तो बात ये सारी है कि इंसान हम खर्च नहीं करते। देखिए वो हम लोगों ने एंटरटेनमेंट और म्यूजिक की तरफ जाने से पहले ना एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, खुदगर्जी। ये है हमारे अंदर ये तवक्कात खुदगर्जी है कि अगर हम लोग कहीं कहीं ये है कि हम लोग जो खर्च कर रहे हैं, या ये एक बड़ा होके एक नई नस्ल को संभालेगा बेटा या बेटी, एक न्यू जनरेशन की तरफ जाएंगे तो ये जो बच्चे ना इन्होंने क्या करना, अच्छा इनकी तालीम, क्योंकि देखिए अब कमर्शियल भी बहुत हो गया, इन बच्चों की पढ़ाई, इनकी ट्रेनिंग, इनके एक थेरेपी को मतलब मुश्किल बना दिया गया, मतलब 1,000 से लेकर आप 18,000-20,000 तक पे ले गए एक थेरेपी, और वो भी 45 मिनट्स तक। अच्छा तो के अंदर ये तो आपने बताया कि आईक्यू ये एनजीओ है मेरी, जी बिल्कुल, इनको थेरेपीज मिलती है, इनको स्पीच थेरेपी, रेमेडियल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिलती है, प्ले थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, म्यूजिक है, इनको पूरा सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी टीम है जो उनको देंगे तो वो पूरे क्वालिफाइड लोग बिल्कुल थेरेपिस्ट हैं, और नूरानी कबाब खालिद बिन वलीद रोड पे है, आपके प्लेटफॉर्म पे आपके जरिए मैं जरूर पैगाम के खबरती बच्चे अपने लाएं हमारे पास, हम इंतजार में, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, हमें जो है वो हम लोग ने चंद पेरेंट्स ने ये बनाया हुआ है, हमें कोई फंडिंग डोनेशन नहीं है, हमने कोई स्पॉन्सर ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल कमर्शियल नहीं बनाया, इसको खुद हम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, अल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं, इन बच्चों को जितना हम हो सकते हैं, इवन कि हम असेसमेंट भी फ्री करते हैं कि इन बच्चे किस, क्योंकि ये बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है, और इसके साथ साथ मैं मदर्स को भी ट्रेन करती हूँ, अवेयरनेस भी देती हूँ, हमारे पास 3-4 घंटे है ना, बाकी 20-21 घंटे बच्चा आपके पास है, हम वीकेंड पे उनको वीडियोस देते हैं ताकि उनको देखें, इवन के मदर्स बेचारी को कई दफ़ा टॉयलेट ट्रेंड करना भी नहीं आ रहा होता कि इन बच्चों को किस तरीके से तरबियत दी जाए, तो ये होता है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सब करते हैं। और उसके साथ साथ जो होता है हम लोग सेशंस लेते हैं फादर्स का कि अकेली माँ पर ना छोड़ा जाए, वो अकेली जिम्मेदार नहीं, ये बहुत अच्छा बच्चों पे कि आपने दोनों पेरेंट्स को जो है वो इंगेज किया है, मोटिवेट किया, जाहिर है दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों का काम है। और पता है ऐसे मामले जब होते हैं ना तस्नीम मैम, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी, आप जरूर समझेंगी भी इस चीज़ को कि जब इस तरह का वक्त आता है ना तो जो माँ होती है वो कहती है कि अब मैं तो इस बच्चे को संभाल लूंगी, हस्बैंड की सपोर्ट, मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन मॉरली सपोर्ट करेगा, और वहाँ पे आपके जो लाइफ पार्टनर है ना उसकी सपोर्ट बहुत जरूरत होती है। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी मैं बात का इजाफा करूंगी कि देखिए हर चीज हमदर्दी तर्स नहीं होती है, और कुछ आपका ये होती है कि बाहिम्मत करना, बाहिम्मत क्या होता है कि आप जो है वो ये नहीं खड़े हो जाते कि आप अपने मतलब मैं हस्बैंड के हवाले से कह रही हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को
या आप सोसाइटी में ये कहो कि नहीं नहीं हमारा बच्चा पागल नहीं है, हमारा बच्चा ये नहीं, नहीं आप तरबियत से मिल के जब आप काम करो। इस मामले में कोरोना का बड़ा फायदा हुआ, कोरोना के दिनों में जो हम कराची से, कोरोना का कहीं तो फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा पूरी दुनिया में तो ऐसी एक वबा मची। मैं इस बात में कहूंगी कि हाँ, इससे एक सबसे ज्यादा जो फैमिली बॉन्डिंग हुई, ठीक है मैं ये मानती हूँ कि दुनिया में एक बहुत ज्यादा बेचैनी भी हुई, तलाक के भी रेशियो बहुत बड़े कि घर में रह के पेरेंट्स में, मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की लैक ऑफ जो होते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत मान, लेकिन उसमें फादर भी अपने बच्चों को देखा कि हमारी जो मिसेज हैं, हमारी जो बीवी हैं, घर में देखा, उनको एहसास हुआ कि घर में क्या होता है, मशीन की तरह लगती है, फिर वो बच्चा आता है सब बिगाड़ के चला जाता है, फिर वो औरत हौसले से उठती है और आके अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ, आप भी सिर्फ बैठ के अखबार नहीं पढ़ें, चाय नहीं पिए, तो बहुत सारे मैं सलूट हैट्स ऑफ करती हूँ कि उन मर्दों ने शाना बशाना अपनी बीवियों के साथ साथ दिया घर में भी कि चलो ठीक है मैं वॉशिंग मशीन का स्विच ऑफ कर देता हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की है। और जो है जोखे साहब भी हमारे साथ, जोखे साहब तमाम बिल्कुल मुतफिक कंदा तमाम पाण घर में ही हुंदा हो, भला कम कार करण में बिल्कुल सही गाल थी, अच्छा कम कार कराइंदा हो घर में, घर जा कम हुंदा है त पण सोशल मानु है उ भी ताज के लेसी लगे तो बिल्कुल ही आयो। अच्छा पर जदे एड़े किस्म जो इंसान मैसेज दींदो आ न त सब का बेहतरीन छ हुंदिया त इन टॉपिक ते ड्रामा ठाए छ दियो, इन टॉपिक ते को मतलब फिल्म ठाए छो, अगर मानन ताई पेंजो को मैसेज देणो है तो तुम चाहता समझो त सोसाइटीज जा जे के सोशल इश्यूज आइन इन ते बेस्ड असवट के ड्रामा को प्रोग्राम कुछ ना है, मतलब सिर्फ वो कहानियों आइन, नोवेल आइन, लव स्टोरी आइन, सास बहू जा झगड़ा आइन, आई मूवीज भी यही आइन, सोशल ही दुनिया में कुछ अड़ा प्लेटफॉर्म्स आइन जे एंटरटेनमेंट ते मूवीज अलग ठांदी ने, आर्ट मूवीज अलग ठने, उन आर्ट मूवीज में ओए सोशल इश्यूज ते था कम कर असा वटे ओ कम न थिनो छो न तोते छाता समझो, पर यह गाल है तो मानू करण चाहे तो कर सके तो, हां करे तो सब कुछ सके तो, पर जने अचे थो टेक्निकल मानू आहेन असा वटे कम भी कन था त तमा भली 10 रोमांटिक ड्रामा ठायो, पर एकड़ो एड़ो ड्रामो एकड़ी मूवी टेलीफिल्म एड़ी हो जे ना जका मतलब सोशल इश्यूज ते हो जे तो थोड़ो मानू के ना उत्साह हासिल ते दिसंदड़न के फील थे तो कुछ चेंज कम है जो कदे भी के मानू ने गाल ते तब जो कौन नो हालांकि तो जो जन घुर्जे या शे जरूरी आ पर मान सोच नहीं कौन था गाली आए सही सो असा जो आज माने जो पास मैं मतलब जो सो फिल्म खा स्टार था कयूं त 1940 खा पाकिस्तान जे छान खा पेरी गाल तो के अम्मा त पाकिस्तान दी पेरी सिंधी फिल्म ठई एकता जी जका 1940 में ठई, अच्छा हां जी रेस करीम खान निजामानी साहब जी फिल्म ही हुआ हां मोही वाडिया जो हिदायतकार हो इंडिया जो बादल राय साहब ने में ता गानो त लगा तो ने ता के याद आ मखे अने शायर जा पूरो एल्बम अच्छा अच्छा हां एक तो एल्बम पोने का पो 1952 में पहली फिल्म ठई अबाना उने का पोरी 1952 में फिल्म ठई उमर मारवी जका हुसैन शाह फजलानी साहब ठई जबरदस्त फिल्म है तमाम टॉपी मूवी जी उने का 1958 में हुसैन शाह फजलानी साहब फिल्म ठई परदेसी जका मुस्तफा कुर्सी जी पहली सिंधी फिल्म हुई, अच्छा जी उने का मुस्तफा कुर्सी जी भी उर्दू फिल्म ठई जका उर्दू फिल्म वा पहली फिल्म हुई हिदायतकार रजा मीर साहब जी मुस्तफा कुर्सी पहली फिल्म हुई लाखों में एक जेमे मुस्तफा कुर्सी एजाज शमी वारी फिल्म हुई वा डाडी हिट हुई फिल्म ठीक जबर फिल्म भेट भाई अच्छा पूछा था समझो भला सिंधी सिनेमा सिंधी मूवीज ठांदी हुयो छा है ने जो जवाल सिंधी सिनेमा जे जवाल जो वजह छा है या छो थयो या ओ वरी असा हाने उन के छो न था वापस उन तरफ हाँ। सकौ इन जो मकसद यो त माना सिनेमा एकली वाह तफरी जका तफरी इंसान जे ला हली रही ए बाकायदा मानू तफरी एंजॉय कंदा पर वजह या थी त उन जमाने में वीडियो आई वीसीआर आई पीसीबी आई वरी पो डिश आई हां वरी पो केबल आई उन मोबाइल शुरू थो तो इन कम खराब कर जैसे ये शूं आयु तो सिनेमा जो खत्म पर ये शूँ साई अस आयुँ पर सिर्फ सिंध में तो ना आयुन सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं सारी दुनिया में आयु पर सारी दुनिया में बया कम भी थियन था पे आई मोबाइल भी यूज थे थी पी पर गाल यह है तो माना इतने माना जैसे एक मू 100 रुपये में 10 मू भाती माना घर जी सकता फिल्म में
सौ रुपये में तो सिनेमा में हज़ार रुपया ऐसी दी कर छो वा वे सिनेमा में जैसे वीडियो कैसेट माना जो सौ रुपये मिले थी पंजा रुपये मिले थी तो वह उतरे सिंधा मुझे ख्याल में यो है वजह पर यह कोई भी है या हर जगह है मतलब मानू ठाण वारा जो भी ठाइन था यो ऑप्शन तो हर कें वा ना सारी दुनिया में कें भी मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान में न तो मूवी जो सो मोबाइल में ऐसे वहीं सिनेमा में न वही ऐसे पर सिनेमा में फिल्म ठाण बंद न थी है मानू ठाइन था तो अस भी ठाण घुर्ज मुझे ख्याल में शुरुआत तुम को कें सिंध टीवी से गुड कर या किथे कर कुछ को प्रोजेक्ट खी अचो को कम क्यों मतलब वो मैसेज एक एक तक पहुँचना आसान हो गया पहले तो टाइम निकालते थे तफरी के लिए सिनेमा जाना और वो करना अब जैसे आप देखिए अब जदीद नेटफ्लिक्स ने और आसान कर दिया सिंधी भी तो हम अपनी प्रमोशन उसमें भी कर सकते और अपना जो पैगाम देना चाहे वो तो बल्कि हर टैलेंट है हमारे पास टैलेंट है हर वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में बेहतरीन काम हो रहा है टैलेंट की कमी नहीं है टैलेंट बहुत है बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन है डाडी सुठी गाल बोल आ है मां चाहिंदस त इनन गालन के अगना अगते असन जरूर वधाइंदासे पर साही जो टाइम आए साई था वठूं नंडटी साई का पो वरी हाजिर थिंदासी आई गुफ्तगू जारी रखनासी दिसदा रहो सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे जारी आहे असांजी चांहि मिली वई आहे असांखे उमेदु आहे तव्हां बि चांहि पीअंदा हूंदा तव्हां त मुंहिंजे ख़्याल में अॻु में ई नाश्ते चांहि सां गॾु करे असांजी टी वी ऑन करे वेहंदा आहियो त जे असां सां मुलाक़ात थिए तव्हांजी पर बहरहाल इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि अञा वेझिड़ाइप वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि असांजे तव्हांजे विच में अञा वेझिड़ाइप पंहिंजाइप जो अहसासु ॾियारींदियूं आहिनि ऐं बहितरीन महिमान जेके असांखे जिन जॉइन कयो आहे ॾाढी ख़ूबसूरत ऑफ द रिकॉर्ड असां वटि ॻाल्हि ॿोल हले पई ऐं ॾाढियूं सुठियूं असां कचहरी पिया कया पिए जेके सुठा अञा आइडियाज़ इन उहे शेयर पिया कयूं मीडिया जे हवाले सां जोखियो साहिब सां ॻाल्हाईंदासीं सर तव्हां काफ़ी अॻु में खां कमु बि कयो जेके तव्हां मूवीज़ ऐं सिनेमा 1950s 1940s इन जे दौर जूं ॿुधायूं तव्हां त उहो दौरु हुयो हिकिड़ो उन खां पोइ बि वरी हिकिड़ो 1980s जो जेको दौरु हो न उहो मीडिया ऐं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पीक वारो दौरु 1970s 1980s 1990s में न काफ़ी सुठा कम रहिया पी टी वी जा इन्हनि जा काफ़ी वॾा वॾा सुठा सुठा प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके अॼु बि उहे एवरग्रीन आहिनि ऐं ॾिठा वञनि था हाणे हिन ही दौरु आहे तव्हां हीउ दौरु बि ॾिसो था पिया भला छा फ़र्क़ु आहे उन दौर में त उन दौर जो ड्रामो अॼु बि अगरि ॾिसिजे थो त माण्हू कनेक्ट करे थो डायरेक्टली वॾा वॾा नाला मिटीअ जा माण्हू थी वियो अञा बि ॿिया वॾा नाला जेके मुंहिंजे ज़हन में न बि ईंदा हुजनि पर उहे राइटर्स उहा राइटिंग्स ऐं अदाकारनि जी अदाकारी मतिलबु हाणे तव्हां छा था सम्झो भला कहिड़ी शइ जी लैकिंग आहे वॾो फ़र्क़ु आहे फ़र्क़ु ईअं आहे त उन ज़माने में हिकिड़ा क़ाबिल माण्हू हूंदा हुआ हाई लेवल जा क़ाबिल माण्हू हूंदा हुआ उहो बाक़ाइदा ट्रेनिंग सिखी करे पोइ ईंदा हुआ इन इंडस्ट्री में चाहे उहो फिल्म हुजे चाहे ड्रामो हुजे हाणे तव्हां ॾिसो न तव्हां ॾिसो त वारिस ड्रामो हलंदो हुओ असांजो महबूब आलम जो ज़बरदस्त ड्रामो हुओ ऐं उहो ड्रामो जॾहिं हलंदो हुओ त टी वी ते माण्हुनि जी रश लॻी पई हूंदी हुई घर में हुजे होटल में हुजे या ॿाहिरि हुजे किथे बि हुजे माण्हू ॾिसंदा ऐं ख़ुदा जी बस्ती डायरेक्टर्स आहिनि उहे ई डायरेक्टर आहिनि जेके उन दौर जे माण्हुनि सां कमु करे चुका आहिनि पोइ छा उन्हनि उन्हनि खां सिखियो न आहे छो छा कहिड़ी वजह आहे जो हाणे उहा शइ नज़र नथी अचे हुननि जी लापरवाही हुननि सिखियो कोन ऐं जेकर सिखनि हा ऐं महिनत कनि हा त अॼु उहो वॾा अदाकार थी सघनि पिया पर हुननि इहो कमु न कयो छो जो उन ज़माने में वॾो कमु थींदो हुओ बाक़ाइदा माण्हू क़ाबिल हूंदा हुआ ऐं सॼा अदाकार जेके हूंदा हुआ न तमामु हाई लेवल जा अदाकार हूंदा हुआ तव्हां ॾिसो भईमराज ॾिसो मोहम्मद अली ॾिसो नदीम ॾिसो सुल्तान राई ॾिसो मुस्तफ़ा कुरैशी सो हिन में वॾा वॾा अदाकार पैदा थिया हिकिड़ी ॾाढी सुठी ॻाल्हि लॻी जेको मौला जट हुयो पहिरियों हाणे पुराणो सुल्तान राय जो हुयो ठीकु आहे पर उन्हनि कीअं उन शइ खे रिवाइव करे ऐं हिन दौर जो हिकिड़ो सिनेमा जी हिकिड़ी फिल्म ठाही मतिलबु ऐं इहा सिर्फ़ु इहा हिकिड़ी छो इहे पंजाब ऐं
तुम दिसो मैम पंजाबी लैंग्वेज में ऑन एयर हुए वो उस पे कोई डबिंग नहीं है कर दिया, कोई उनको वो फिक्र नहीं थी कि पंजाबी कौन समझेगा पंजाबी आएगी कि नहीं आएगी नीचे इंग्लिश में और उसमें सबटाइटल्स थे और वो पूरी दुनिया में चली है सिंधी बता हली थी सगे सिंधी में ही तवां एटा इंग्लिश सबटाइटल्स जो उर्दू जो पर गाल हैं जे के उसे सिंधी हो जन एचडी मूवी हो जे सिनेमा में हले तमाम सारी दुनिया में पेंजो दिखारियो अभी भी इंडिया में भी आई बेशक वही पुरानी कहानी नूरी जाम असा जो नूरी जाम तमाची जी केडी सुटी कहानी उमर मारवी ते ड्रामा मामा घणा थी चुका पर पोए भी उनका पोए असा ने जे के जो सिंध जे तर जो हैदराबाद वारो जो है दरिया जो किनारो इतने जिंदगी नेचुरल जो मन जो दड़ो है सारे कदीम उन्होंने केडियो कहानी स्टोरीज सिंध इज फुल ऑफ स्टोरीज बहुत माना फिल्म मुलजट जैसे ठे पी 9 जुलाई 1979 में हिदायतकार यूनुस मलिक शुरू करें पो तो जैसे उन नालो वो मुलजट जो तो उन्हें चो हाँ मुलाजट जो सो कें खणा उन्हें जेहन में सुल्तानी जो नालो हो पर उन मुस्तफा खुर्शी घुरा मोहम्मद अली घुरा बड़ा बड़ा अदाकार उनके घुराई तो अचो पर वो नालो जो माना आयो मुलाजट सुल्तानी फिट थो बे कें को फिट थो छोजे वो नालो ठे ही सुल्तानी ला हो जैसे सुल्तानी कम किया मुस्तफा खुर्शी उनसा सपोर्टिंग एक्टर हो अदीब हो अलिया हुई बया घा अदाकार हुआ आसिया हुई चकोरी हुई कैफी हो तो वह जैसे फिल्म ठही 9 जुलाई 1979 में फिल्म ठही तो ठही तो वही पर ज्या उनते बेन लगा छो वह फिल्म ठही तो वही पर बेन लगी हो वह फिल्म रुक जी वही वो आखिरकार आस्ते आस्ते जो फिल्म साज हो ममन सरवर भट्टी साहब उन ज्यालक से मुलाकात कई तो सही फिल्म में तो कुछ भी ना है हर बुरी पाबंदी हुई आई अड़ी गाल ना वो वही मुश्किल से उन ज्या परमिशन दिनी माना तकरीबन 1.5 साल माना फिल्म रुक जी वही सही जैसे वह फिल्म सिनेमा में लगी तो उन रिकॉर्ड बिजनेस के हो बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल, बिल्कुल। फिल्म जबरदस्त फिल्म है जबरदस्त हिट मूवी बिल्कुल यही है माना सब का पाकिस्तान में वधी के मूवी या हुई जे बिजनेस वर क्यों अच्छा एकड़ो डाडो टेक्निकल सवाल है जो मैं ता का पूछना चाहिए फन ता के जाना इतनी इन शय के बारे में एकड़ो कामयाब ड्रामो थिएटर फिल्म कुछ भी ठीक है ना मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से वो कामयाब मतलब थे तो इन में सब का वो इम्पोर्टेंट किरदार ता समझो स्क्रिप्ट जो आ डायरेक्टर जो आ अदाकारी जो आ मन छा जो केड़ी शय हुंदी त पो बी शय न भी हुंदी न त ओ सठो हली वन ता छा ता समझो सब का इम्पोर्टेंट गाल हां उनमें सब का इम्पोर्टेंट शय या है त स्क्रिप्ट अच्छा कहानी जी क्या वो मजबूत हुंदी त हिदायत कारण के ऑटोमेटिक जो का मन उन लेवल ते खणी दो सही कास सुजी कंदो कहानी भली हुंदी ए पैसे खर्च दिंदो तो वो शे सुरी चांद जहरी गाला और उनमें वो कम हिदायत कर जो सही तो वो उन्हें गाल के माना मैनेज करे तो वो बे नंबर ते वरी हिदायत करते अच्छी तो हां वो वरी उन जो काम मेरी कहानी पो हिदायत ठीक 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 जबरदस्त डाढ़ी सुठी तव ये गाल कही इन हवाले से चाहिंदस जी असा जो नौजवान मानू आहिन बार आहिन नई टही जा जो यंगस्टर्स आहिन वे मीडिया के हवाले से हाँ ढो रुझान इन में थी वो है मैं काफ़ी यो दिठो है यूनिवर्सिटीज में असा मीडिया साइंस डिपार्टमेंट्स अची वह हाँ माना मू क्वालिफाइड DOP थे तो क्वालिफाइड डॉक्टर थे तो असा क्वालिफाइड प्रोड्यूसर थे तो क्वालिफाइड एडिटर थे तो तवाजी 4 साल की डिग्री जी हाँ तुम पढ़ी था सो इन फील्ड में पेंो फ्यूचर कमाए था सो ए टेक्निकली तो उ कमियों के असन समझूँ था तो जो अस मूँ इनसे टेक्निकल नान उन्होंने भी तुम ट्रेन कराए सो था अगर को ग्रेजुएट को मू को बार जो अगर एक प्रॉपर एडिटिंग जो सीखी कर डिग्री हासिल कर अचे तो जाहिर वो वरी जो उनके अंडर असिस्टेंट रख तो उनके भी ट्रेन कर वरी वो कम कंदो वरी वो असिस्टेंट रखंदो तो वो भी ट्रेन थींदो वेंदो तो ये असा आहिस्ता आहिस्ता पेंजन मानन के ट्रेन कयूं छो तो सर मां समझनी है तो स्किल्स का बेहतर का भी शे तवा के बचाए न थी सके हे वो दौरा तो तवा के पैसो बनियूं छा भी होजे ना हां बिल्कुल तवा जो सर्वाइवल सिर्फ तवा जी स्किल्स तवा के थी करा बिल्कुल मां तवा के एकड़ो गल बताया ना हां तजरे मुस्तफा कुर्सी जी पहली फिल्म थी 1958 में परदेसी हां वो सुठी फिल्म भाई हुसैन शाह फाजलानी जी वो थो जो असो सिंध जो मानू हो हिदायतकार तो को हो पर आम मानू हो उन्हें सोचो तो सो नवाब शाह सिनेमा में कम तो क्या सिनेमा जो बोर्ड लिखा तो नालो उनको हो एक्यू फिरजादो अच्छा हाँ एक्यू फिरजादो साहब नवाब शाह जो छोकरो हो वो सिनेमा बोर्ड लिखो हो
हुन के ख्याल है तो यार मैं सिनेमा बोर्ड लिखी लिखी मैं थकी पी छो मैं फिल्मू ठाया तो नवाब शाह का वो लाहौर वो उन लाहौर में जो वरन हिदायकार 15 साल ट्रेनिंग हासिल कई 15 साल हाँ जो 15 साल जो सीख तो जहरी गाल उनके कम भी सही इंदो जैसे वो सीखी वापस आयो तो उन पे फिल्म सिंधी फिल्म ठाई सेंड्रो की जो 1969 में रिलीज थी उन वक्त उन बिजनेस कियो टॉप द बिजनेस कियो मुश्ताक चंगेजी मापारा चकोर की फिल्म हुई जबरदस्त फिल्म हुई उनका बी फिल्म ठाई महबूब महबूब मिठा टी फिल्म ठाई उन सोरठ चौथी फिल्म ठाई बरसात की रात चार ही फिल्म उन हिट हुई जबरदस्त उन पंजाब जो हिदायकार हो यूनिस राठौड़ साहब बड़ो हिदायकार हो उन फिल्म ठाई सोरा पुट सिंधिया सिंधी फिल्म गैरेज जो सवाल सिंधी फिल्म ब फिल्म ठाई पंजाब उर्दू जिंदा चाहती हूँ काला पानी ब फिल्म ठाई पछतो सही हाँ एक फिल्म ठाई पंजाबी सुल्तान रही फिल्म ठाई या गुलू बादशाह माना वो थे कराची जो पर उन जो माना वो हर लैंग्वेज में फिल्म ठाई हो जबरदस्त हिदायकार हो राठौड़ साहब हाँ ठीक है जबरदस्त ढो सुठो कम थो जन जो इन्फॉर्मेशन दियन था यह भी ढी सुी है तस्नीम आपसे मैं पूछूंगी कि जब इस तरह का आप देखती है ना कि लोगों में एक एहसास जिम्मेदारी की कमी जैसे सर ने बोला कि बहुत से बड़े बड़े हिदायतकार डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर कर भी वो लोग आज के जो लोग हैं सीख नहीं पाए कि आज वो कुछ अच्छा काम दे सकें लोगों को कोई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सके इसी तरह हम ये हर नस्ल का मसला है आजकल के हर लोग हर इंसान का मसला है कि हम क्योंकि हमारे जो बड़े हैं हमारे जो इंस्टीट्यूट से होकर आते हैं तो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हमारे सबसे आसान काम लगता है कि हम अगर कुछ भी हो तो या तो एक गवर्नमेंट को ब्लेम करें इदारों को ब्लेम करें अपने सोसाइटीज़ के जो सरबराह हैं उनको ब्लेम करें और ख़ुद कुछ नहीं करेंगे बहुत अच्छी बात आप कर रही थी ब्रेक में मैं चाहती हूँ कि आप हमें ऑन एयर करें ताकि हमारे देखने वालों को इंस्पिरेशन हासिल हो और कुछ एहसास उनमें भी पैदा हो कि हम अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इंसान जैसे अपने घर का भी तो करता है ना ऐसे ही तो आप अपने मुल्क अपने शहर अपने मोहल्ले को अगर इस तरह करके देखें तो कितने मसले हल हो जाते हैं हमारे पाकिस्तान के तो ये आपको क्या लगता है कि इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार हो सकता है और क्या किया जाए ऐसा के आप एनजीओज भी हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है सोशल मीडिया भी है क्या ऐसा किया जाए कोई ऐसी कैंपेन शुरू होनी चाहिए कि फ़र्द फ़र्द शहरी शहरी घर घर से निकलकर उसमें मुलविस हो और एक्टिव हो तो फिर कुछ माहौल अच्छा हो एनवायरनमेंट हमारा अच्छा हो क्या करना चाहिए एक्चुअली हम लोगों को जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शो ऑफ और नुमाइश करना और मतलब थोड़ा प्रोमिनेंट होना हम ये चीज़ों से थोड़ा सा निकल आएँ अगर तो हम सबसे पहले ये कि पाकिस्तान को अपना समझें ठीक है उसके बाद फिर वही बात आ गई कि हम लोगों ने 3 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे सामने बिल्कुल एक क्लियर ट्रायंगल है गवर्नमेंट है और CSR है यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे सबसे बढ़ के जो है वो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अपनी जो अपना किरदार है आप सबसे पहले यही बस सोच रहे कि हम अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं तो वो मैं कहती हूँ कि आपका अपर लेवल से मतलब डाउन टू अर्थ हो गया या ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक ले जाने में आपको हर शोबे में आसानी हो जाएगी वो उसमें ये होगा कि आप अपना किरदार किस तरीके से अदा करें सबसे पहले ये होगा कि आप अपने उस पर ना रहें कि मैं अब सीख चुका हूँ मैं फुल एक कॉन्फिडेंस जैसे कुछ हमारे ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ गया कल एक थैलेसीमिया के हवाले से ना वॉक थी अच्छा और एक हमारी कुछ दिनों पहले फेडरेशन हाउस में मीटिंग थी ये जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे जी, जी। तो मैं थोड़े थोड़े हवाले दूंगी हम लोग जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पे जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म इस वक्त जो है वो करोड़ों लोगों तक आपका पैगाम पहुंच रहा है आपकी आवाज़ जो पहुंच रही है आपका किरदार अदा हो गया आपने अपना मैसेज पहुंचा दिया उसके बाद आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आ जाएंगी ये नहीं होगा कि आप देखेंगे जैसे हमारा बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि हमारे डिफेंस जैसा इलाका भी कराची का बारिश में नहा रहा होता है ना आपको मतलब उसमें डूब रहे होते हैं आप सोशल मीडिया पे हम मीम्स बना रहे हैं ये नहीं ये पता नहीं चलता खुद उड़ा रहे हैं अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं और ये पता नहीं चलता कि
आप जो है उसमें अपना क्या किरदार किरदार अदा कर वाइपर उठाए। मेरे जैसी बंदी जो है ना, मैं बेशक एक साफ़ सुथरे इलाके में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी का इंतज़ार नहीं करती हूँ। मैं कम अज़ कम वाइपर उठा के अपने गेट के आगे का हिस्सा तो साफ़ कर सकती हूँ कि गुजरने वालों के लिए आसानी हो, या जो नमाजी जा रहे होंगे उस वक्त जो एक बाइक या साइकिल जा रही होगी, या मैं गाड़ी आहिस्ता भी चला सकती हूँ कि छींटे ना जाएँ अगले के कपड़े। और भी बहुत कुछ है, एहसास की बात है। नहीं तो हमारा हर डिपार्टमेंट, हर शोभा कामयाब हो जाए सिर्फ हमारे अंदर एहसास उजागर करके, और हम इंतज़ार ना करें ये काम तुम कर, एक दूसरे पे ना डालें, हम थोड़ा थोड़ा ब्लेम ब्लेम गेम चल रहा है। और सबसे बड़ी ब्लेम गेम के साथ जो एक फाइनेंशियल, हम रोना ही रोते रह जाते हैं कि बजट नहीं है, हमारा कर्जा नहीं आया, या सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए ट्रेजडी है कि हमारे इदारों के पास जो बजट आया था वो कहाँ गया। ऐसा ना सोचें, आप भी उसमें हिस्सा डालें। आपके पाकिस्तान इस वक्त एशिया में सबसे ज़्यादा जो है वो ज़कात देने वालों में है, फंडिंग डोनेशन करने वालों में, हज उमरा करने वालों में हमारा नाम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आता है। जब हम ये नेकी कर सकते हैं तो हम अपने पाकिस्तान को भी ऊपर कर सकते हैं। आज भी हम वही 75 हमारा, बल्कि अब तो 80% जो है वो हम लोगों के, वो जो गाँव में हमने बिजलियाँ दी थी ना, लेकिन खुश आइन बाद सोलर सिस्टम लग गए, तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा उनके साथ लें, वो लोग हमारे पास हो, वो हम जो 80 और 20 के रेशियो में फंसे हुए हैं ना, हम इसे निकलना चाहिए, हमें निकलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बहुत अच्छी बात आपने की है कि निकलना चाहिए। बिल्कुल। और नाज़रीन, ये जेके गालियूं आहिन इनन करण जो मकसद यो आए त इनन जो एहसास पैदा थे, दाड़ सुठो गाल कई त इंसान वो ही इंसान आ, बिना एहसास जेकड़ो इंसान वो तो एकड़ो पतलो थी वेंदो, तो उन में को एहसास कोने, उन में के किस्म जी फीलिंग्स कोने, त एहसास हुजण तमाम जरूरी आ है। एहसास के तवा इए ही जको सो डेवलप भी करे था सगो, ऐ बेन जो फायदो भी इन में ही थिनो जदे तमा पाण पेजी जात थी करे उन के अगते प्रैक्टिकली मानन जे काम पे अचो, सिर्फ गालियों न कयो, सिर्फ मना। आजकल सबसे अच्छा और दूसरा ट्रेंड भी आ रहा है, मुझे याद आ गया है कि सोशल मीडिया पे फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, पोस्ट बस वो डाल दी, उसके लाइक आ गए, उसके कमेंट आ गए, और इंसान को लगता है कि मैंने अपना माशरी अपना किरदार है वो अदा कर लिया, अपना फर्ज जो है वो मैंने अदा कर लिया, कि मैंने एक सोशल मीडिया के उस पे पोस्ट डाल दिया, बस एक आटा भी दे रहे हैं तो आप वो यूं जो एक वो सेल्फी, शुक्र है मैं कहती हूं कि शुक्र है हम लोगों को सेल्फी बनाना नहीं आती। जो न्यू जनरेशन है हम उन्हें उनको किस काम पे लगा दिए, अभी वो तो यही समझेंगे ना कि ये हमारा शायद इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी इस नेकी का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं तो वो साथ सेल्फी लेंगे, लेकिन जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है या हमारा जो सफेद पोश वो है वो वैसे ही तबका वैसे का वैसे रह जाता है, उन तक चीज़ें पहुँचती नहीं है। अभी आप ये देखें जो सैलाब और जलजिला वगैरह, इन तक कराची की मेडिकल जो दवाइयों की एक पूरी मार्केट है ना, यकीन करें वो ट्रक दोबारा वापस यहाँ सेल होने आए हैं। बिलीव मी, आंसुओं से रोना, हम लोग रोए कि हम कहाँ इमदाद करके आए और कहाँ कहाँ, मतलब वो सब वापस यहाँ बिकने के लिए आ गया। और उसके साथ आप रास्ते में जो ट्रक पे, वो बेचारे इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो खुद हमला करके कि हमारे तक नहीं पहुंचे, हम अपना एक आटा ले लें, एक दाल का थैला मिल जाए, हमें एक चीनी मिल जाए। तो ये चीज़ें ना प्लीज़, हमें सबको शऊर भी देना है, हमें सबको एक अच्छा, ये तो नहीं ना कि मैं अगर किसी की मदद करने जा रही हूँ, नेकी कर रही हूँ, तो एक टीम मेरी पुलिस वाली रेंजर्स वाली भी साथ हो जो मुझे भी प्रोटेक्ट करे कि मैं तो बांटने जा रही थी और मतलब मेरे ऊपर ही हमला हो गया, तो हमारे बहुत सारा काम होने वाला है। और उसमें फिर वही कि सब एहसास करें, सब अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये बात की है। लेकिन जब किरदार की बात आती है ना सर, तमाम समाज पुछण चाहिए, इंसान जो जो मीडिया के हवाले से कम आ ना, उनमें किरदार कशी भी दाढ़ी थी, तो इंसान को कम थो करे, कें भी टॉपिक से मूवी थो ठाहे, तो असा एडो जज करण में माहिर आयो, जो असा चाहे हे मू हे तो करे तो हे मतलब हे होंदो, या हन टॉपिक से मूवी ठाती है, फिल्म ठाती है, या अगर न ठाती नहीं तो इन वजह से नाती हूँ, इन जजमेंट बिहेवियर में, जजमेंटल एटीट्यूड में असा कदें निकरंदासी? यो माहौल काफ़ी सालों का हली रहो अब तो भले यो माहौल निकरे ही को माना लाहौर में रहस कराची में सेंसर बोर्ड में नापा में नापा मेंबर हाँ तो ये माना हर जगह माना ये बुराई है, बुराई कहो बुराई कहो नुकसान उन्होंने
वो कह के नौकरी पकड़न था कह के माना कुछ गार्जियन था या कह के कुछ माना बेरोजगार बेरोजगार कन था माना उनके वो परेशान कन था तो यह गाल न होने घुर्ज न मन मानू फेर रहे तो उनमें वो फायदो आ बिल्कुल वो फायदो आ सब का वो फायदो वरी इनमें भी आए तो जड़े इंसान एडो टैलेंटेड हुंदो आ न डायरेक्शन भी आए साई वांगिया डायरेक्शन भी कन था एक्टिंग भी कन था कम भी कन था मीडिया जी जान भी अथन तो वरी थोड़ो घणो खूबसूरत गाए भी वेना है झुंगारे भी वेना हां बिल्कुल तो असा के छा एडो झुंगारी बधाई दो असा के मचाई दस तो थोड़ो बादल भाई साहब असा सगद आए अगर कोऑर्डिनेट करे वठन या वरी अगर ता म्यूजिक हसवाई हेलो ठीक है विदाउट म्यूजिक ता कुछ बताओ मैं उर्दू गाया सिंधी गाया जको जको चो सिंधी मानू आयो असा सगा दिसंदर जेके सिंधी मानू आयो तो उनन जे लाय उनन के डेडिकेट कयो उर्दू वालों को भी समझ आती है वो आती है बिल्कुल बिल्कुल उर्दू सुनाऊंगा इंशाल्लाह बिल्कुल जी जी सर बिस्मिल्लाह वन ना मुजा सुपरी थियो मस मस आहे मेल अली गुल के इश्क जो हणी निर्मल छडी ने अन्या शुरू खेल पिरी न थियो आ प्यार जो हर कम कार में बचार मजबूरियूं एकड़े प्यार में हजार मजबूरियूं हर कम कार में बचार मजबूरियूं एकड़े प्यार में हजार मजबूरियूं एकड़े प्यार में हजार मजबूरियूं सुहा सजन तुझी सच 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 तबीठो नारो मारे नच सुहा सजन तुझी सच 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 तबीठो नारो मारे नच बोला बोलाए बार मजबूरियूं बोला बोलाए बार मजबूरियूं एकड़े प्यार में हजार मजबूरियूं एकड़े प्यार में हजार मजबूरियूं हर कम कार में बचार मजबूरियूं एकड़े प्यार में हजार मजबूरियूं जबरदस्त सुरीलो कलाम हुयो सुरीलो तमा गातो सुर में जबरदस्त किस्म जी एकड़े प्यार में हजार मजबूरियूं केड़े प्यार में मजबूरी ने वरी अस साई का पो साई का पुछना सी थोड़ो खबर त पवे त भला केड़ी मजबूरियूं जो इन कलाम के गाण जे लाई साई जको सो डाडो मजबूर थी वयो मजबूरी साई हां साई का वटा साई का पो मजबूरी ते इना सी किते ना वंजो दिसा सलाम सिंह सलाम सिंह वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं सलाम सिंध में ज़बरदस्त महिमाननि सां ॾाढी सुठी कचहरी पई हले पई तस्नीम असां सां गॾु मौजूदु आहे तस्नीम आपने बहुत अच्छे तरीक़े से बातें कई बहुत अच्छी आपने अवेयरनेस के हवाले से बात की और आप जो काम कर रही हैं आई एम प्राउड ऑफ़ यू बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बींग अ मदर बींग अ सोशल एक्टिविस्ट बींग अ जर्नलिस्ट आप बहुत अच्छा सर्व कर रही हैं अपने आप को यही बात होती है कि इंसान को सिर्फ एहसास से ज़िम्मेदारी पैदा हो उसके अंदर फिर आप चाहे किसी भी फील्ड से वापस आऊँ आपके अंदर वो चीज़ें वो आइडियाज आ ही जाते हैं कि मुझे क्या क्या करना है अपने आप को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो वजह से मैंने पहले भी बात की कि ब्लेम गेम बहुत होता है हम लोग ब्लेम कर देते हैं भाई ये इसका मसला है ये इसका मसला है ये इसका मसला है तो लेकिन बीइंग अ इंडिविजुअल हम काम नहीं करते और सबसे आसान जो होता है वो ऐसा होता है कि हमारी जो अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना एक पार्टी कहती है उसकी गलती है वो पार्टी करती है उसकी गलती है लेकिन इन सब में जो पिसती है वो आवाम पिस रही होती है और नाम ख़राब होता है पाकिस्तान का आप कहीं भी अब्रॉड चले जाओ आप कहीं भी चले जाओ ना आपका जो ग्रीन पासपोर्ट है जो हमारी पहचान है जो हमारा फ़ख्र होना चाहिए विदाउट किसी ऐसे काम के कि हमें शर्मिंदगी होनी का मुजाहरा करना चाहिए या फेस करनी चाहिए लेकिन फिर भी हम करते हैं ऐसे लोग हमें देखते हैं कि जैसे कोई जज कर रहे हैं कि कोई पता नहीं कोई कौन आ गया है अगर कोई पाकिस्तान से कोई दुबई एयरपोर्ट पे जाएगा कोई भी कतर एयरपोर्ट पे कहीं भी जाएगा तो ऐसी नज़रों का उसको सामना करना पड़ता है क्योंकि वो पाकिस्तानी है पाकिस्तान तो क्या आप समझती हैं कि क्यों है और क्या इसकी वजह बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव बात आपने शेयर की अभी हम ब्रेक में भी यही डिस्कस कर रहे थे मैं तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि हम सबको आवाम से लेकर हुकूमत में जिस जिस को जो ओहदा मिला हुआ अल्लाह ताला अल्लाह सुभान व तआला उन सबको मुबारक करे लेकिन हम सबको पॉलिटिकल
और मजहबी कल्चरल हर तरह की ब्लेम गेम में से निकल के ना एक एज अ पाकिस्तानी प्राउड पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करते हुए अपने मुल्क को इस उस मकाम पे ले जाएं जो एक कायदे आजम का ख्वाब था। हमने आखिर कायदे आजम को भी तो मुंह दिखाना है ना, और ये सोचना चाहिए। और फिर उससे पहले अल्लाह पाक को मुंह दिखाना है, और जाहिर है अपने जमीर आप जब आईना में देखते हैं ना तो आपका जमीर आपको बताता है कि ये काम आपने नहीं किया। हम यही कहते हैं कि ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी, फलां पार्टी आती ना तो वो अच्छी थी वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसको मौका मिले, जब मौका मिले, अपना इतना अच्छा किरदार अदा कर जाए कि छा जाए, कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात, कमी हमारे अंदर खामियां होंगी ना उनको दूर। और हम ये नहीं कहते, अब वाकई में आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि कुर्सी पे कोई भी बैठे हमें गर्ज नहीं है, नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो, कोई भी किसी भी मजहबी उसके हवाले से हो, बस काम करे। काम हमारे यहाँ क्या होता है कि बातें सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, काम करने पे जो आते हैं जरूरत है, क्योंकि वाकई हमें उन नजरों में उस मुकाम को दोबारा हासिल करना, बिल्कुल वो हम लोग कहते ना कि हमसाया, क्योंकि काम होगा तो पाकिस्तान का नाम, बिल्कुल हमसाया मुल्क चांद पे गया तो हम ऐसे करते वैसे करते, ऐसा नहीं। चांद पे जाना सच ऐसा नहीं है, जो आप अपनी इंसानियत, अपने अवाम, अपने मौशरे को फैसिलिटेट करके इंसानियत दुनिया में खड़ा कर देंगे, दुनिया में मनवा देंगे, उससे बढ़ के कुछ वो नहीं है, क्योंकि हम इंसानियत से गिरते चले जा रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को इंसान नहीं समझ रहे, मतलब हम नोच खाने को तैयार, क्योंकि हमें कोई बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी हो रही, तो हम कैसे सरवाइव करें। बहुत अच्छी बात की है, बहुत जबरदस्त, और मशकूर हैं आपके भी और सरतान जब, थैंक यू सो मच। ॾाढो सुठो लॻो ॻाल्हाए तव्हां ॿिन्हिनि सां, जंहिं तरीक़े सां जिन जिन टॉपिक्स ते ॻाल्हियूं पे हलनि पियूं, मां असांजा ई प्रोग्राम ॿ कलाक कीअं गुज़री विया ख़बर ई कोन पई। बिल्कुलु इहे ई ॻाल्हियूं आहिनि नाज़रीन, जेके करणु तमामु घणियूं ज़रूरी आहिनि। इंसान में बहितरी बि अची सघे थी, सोसाइटी ग्रो करे सघे थी, पर जॾहिं ॻाल्हि न थींदी, डिबेट न थींदी, डिस्कशन न थींदी, त कीअं ख़बर पवंदी त भला रास्ता किथां था निकिरनि पिया, ऐं किथां असांखे जेको आहे सो कमु करिणो आहे, किथे कमु करण जी ज़रूरत आहे। ज़बरदस्त क़िस्म जो ई प्रोग्राम हुयो, ऐं ॿिन्हिनि महिमाननि खे मां वरी हिकु दफ़ो ॿीहर थैंक यू सो मच बहुत, हमें बि बहुत मज़ा आया। ऐं नाज़रीन, हीउ जेको प्रोग्राम हुयो तव्हां ताईं जेको आहे सो असां पहुचायोसीं, सो इन मक़सद जे करे त इन अहसास ऐं इन ज़िमेदारियुनि जो सिर्फ़ु अहसास थिए हिकिड़ो। ऐं ॿी ॻाल्हि त इंसान कंहिं बि क़िस्म जे कम में पवे, अॻिते वधे, फील्ड चाहे कहिड़ी बि हुजे, तव्हां ईअं न चओ त या त मुंहिंजी फील्ड ई न आहे त मां इहो कमु छो कयां, मां सोशल एक्टिविस्ट न आहियां त मां इहो कमु छो कयां, मां ऑफिस थो वञा, मां हाणे मां ऑफिस वेंदमि या मां पंहिंजा घर जूं घिटियूं विटियूं सुधारींदमि, इन्हनि ॻाल्हियुनि खे न ॾिसो। तव्हां बेशक कंहिं बि फील्ड सां कमु कयो था, पर तव्हां पंहिंजो माहौल पंहिंजनि ॿारनि खे तरबियत ॾेई था सघो, छो त उहे तव्हांजे अमलनि मां सिखंदा, ॻाल्हियुनि मां औलाद न सिखंदी आहे। तव्हां माण्हुनि खे चओ, ॿारनि खे चओ त बेटा कूड़ ॻाल्हाइणु ग़लति ॻाल्हि आहे, पर उहा जॾहिं तव्हांखे ऑब्ज़र्व करे थी त मुंहिंजो त पीउ कूड़ थो ॻाल्हाए पियो, मुंहिंजी त माउ कूड़ थी ॻाल्हाए पई, त पोइ उहा बि ॻाल्हाईंदी। त सिर्फ़ु चवण सां न थींदो आहे, अमल कराइण सां थींदो आहे। तव्हां अमल कयो, तव्हांजी औलाद, तव्हांजी नसल, तव्हांजा नंढा ॿार पाणे तव्हांखे फॉलो कंदा। सो बहरहाल इन्हनि ॻाल्हियुनि ते जेको आहे सो अॻिते ॻाल्हाइबो, पर हींअर छो त प्रोग्राम जो वक़्तु जेको आहे सो मुक़ररु हूंदो आहे, प्रोग्राम पुॼाणी थी अचे पुॻो आहे। नाज़रीन, बहितरीन प्रोग्राम हुयो जेको तव्हां ताईं पहुचाइण में तावन हुयो, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ 26 लखनि में ऑफर था कनि, बहितरीन इन्हनि जी स्कीम आहे। तव्हांखे अगरि प्लॉट वठिणो आहे त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खे कॉन्टेक्ट कंदा, कॉन्टेक्ट नंबर तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो स्क्रीन ते, ऐं ज़रूरु इन्हनि खे राब्तो कजो। उन सां गॾोगॾु असांजे प्रोग्राम में जंहिं असांखे स्पॉन्सर कयोसीं वॉर्ड्रॉप आहिनि, मूंखे सना सफ़ी नाज़ जो हिकिड़ो ख़ूबसूरत ड्रेस पातल आहे, इहो ड्रेस उन्हनि जो आहे ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जी डिज़ाइनिंग आहे, ऐं इन सां गॾोगॾु तव्हां इन्हनि जी कलेक्शन बि इन्हनि जी वेबसाइट ते ॾिसी सघो था। नाज़रीन, हीउ जेको ख़ूबसूरत असांजो प्रोग्राम हुयो, इन में जेके असां ॻाल्हियूं कयूंसीं से ॻाल्हियूं बि ॾाढो अहम हुयूं, ऐं इन सां गॾोगॾु प्रोग्राम टाइम आयो, टाइम बि अचे पूरो थियो आहे, ऐं पर वेंदे वेंदे बादल राय साहिब जो गानो हूंदो आहे उहो असां ॿुधंदा आहियूं, गीत आहे उनखे इंजॉय कंदा आहियूं वेंदे वेंदे, ऐं तव्हांजी जेका मां चवंदी मोट आहे, प्यारु जेका कुर्ब आहे, उहा ॾाढो असां में अञा वधीक बूस्टर हूंदो आहे, असांजे लाइ हिकिड़ो इम्यूनिटी असांजी अञा वधी वेंदी आहे जॾहिं असांखे फीडबैक मिलंदो आहे तव्हांजो। सो ज़रूरु असांखे फीडबैक कंदा, अॼु जो प्रोग्राम जेको आहे रिपीट बि ईंदो, ऐं उन सां गॾु गॾु राति 11 बजे रिपीट ईंदो, ऐं वरी यूट्यूब ते जॾहिं अपलोड थींदो त तव्हां उहो बि ॾिसी था सघो, पर कमेंट करणु ज़रूरु न विसारिजो, छो त असांखे इंतज़ारु हूंदो आहे तव्हांजे फीडबैक जो।
सो एक खूबसूरत हिकड़ी कोशिश जेका नंढड़ी कोशिश हुंदी आ असांजी त तव्हां ताईं असां हमें प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं ऐं सुठो कॉन्टेंट आहे उहो ॻाल्हाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं सुठनि ॻाल्हियुनि खे मोटिवेट करण जी ऐं तव्हां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कंदा आहियूं। सो नाज़रीन इहो हुयो असांजो अॼु जो प्रोग्राम। सुभाणे वरी मुलाक़ात कंदासीं ऐं तेसि ताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, मूंखे कजो दुआउनि में यादि। अलावा आहे कुठल जो कम लाहे नींदुस लतीफ चे लाहे नींदुस लतीफ चे सिसिय सुधो चम निकरी वने दम तब अख प्रिय जी अख में तो सवा वन्या काडे तो सवा वन्या काडे जिंदगी कया काडे जिंदगी कया काडे तो सवा वन्या काडे जिंदगी कया काडे तो सवा वन्या काडे लिखाए रख आओ तू लिखाए रख आओ तू लिखाए रख लोक खां लिखा काडे लोक खां लिखा काडे तो सवा वन्या आओ तू लिखाए रख आओ तू लिखाए रख लोक खां लिखा काडे लोक खां लिखा काडे तो सवा वन्या काडे अख नथी खजे तो ता अख नथी खजे तो ता अख नथी खजे तो ता अख खणी दिसा काडे अख खणी दिसा काडे काडे हर दिशा उकाबिया हर दिशा उकाबिया हर दिशा उकाबिया
दे ऐ हवा उड़ा का दे तो सवा वन्या का दे चंद रात तन हाई चंद रात तन हाई चंद रात तन हाई दर्द खां भजा का दे दर्द खां भजा का दे तो सवा वन्या का दे जिंदगी कया का दे जिंदगी कया का दे तो सवा वन्या का दे तो सवा वन्या का दे तो सवा वन्या मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स डिसो हाने एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी एचडी।